हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपना डे फाइव होने वाला है। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये पांचवा दिन हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी सेवेंथ और एट्थ दोनों यूनिट हम कवर कर देंगे। और जो लोग बीएससी फाइनल ईयर में हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई। जब आप अनसॉल्व उठा के देखोगे तो ट्रांस इफेक्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग, ये सब कुछ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा ये क्लास बड़ा हो सकता है, लेकिन मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी। और जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो, ये यूनिट छोड़ने की गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये है क्या, तो लिमिटेशंस क्या है भाई? जब भी कभी हम लोग नई थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग इस आपके सिलेबस में क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, तो वो क्यों पढ़ेंगे भाई? उससे पहले कोई थ्योरी रही होगी जो फेल हो गई होगी, जो नहीं बता पाई होगी कुछ चीजों को, तो उसे बताने के लिए इस थ्योरी को दिया गया। ठीक भाई, उसे बताने से पहले एक चीज हम और भी बता रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर हम लोग आवर्त सारणी को समझे तो चार चीजें होती हैं। इधर होता है एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक, इधर होता है डी ब्लॉक, और बीच में होता है डी ब्लॉक, और नीचे होता है एफ ब्लॉक। इसमें अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा कलर कौन दिखाता है, तो डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा कलर दिखाते हैं। सबसे ज्यादा कैटालिसिस नेचर किसका होता है, सबसे ज्यादा उत्प्रेरक कौन होता है, तो डी ब्लॉक होता है। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो घूमेगी डी ब्लॉक के अड़ोस पड़ोस। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन काम है वो कलर को बताना ही है मेरे भाई। दिक्कत क्या हुई, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये मॉलिक्यूल्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कौन सी चीज का कैसा कलर होता है, क्यों कलर होता है, डी ब्लॉक कलर क्यों दिखाते हैं, ये भी समझते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है, जैसे इसे आराम से समझो, आप लोग पहले पढ़ चुके हो थोड़ा थोड़ा। मान लिया ये जिंक है, जिंक का नंबर 30 होता है। जब हम लोग इसका विन्यास बनाते हैं तो डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सारे डब्बे, अबे डी में कितने डब्बे बनते हैं, 5 डब्बे बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनमें क्या होता है, पूरा भरा होता है। तो जब इनके डब्बे पूरे भरे हुए हैं तो जिंक जो है वो कलरलेस होता है, ये कोई भी कलर शो नहीं करता है। जितने भी लोगों के पास डी ऑर्बिटल होगा और वो पूरा भरा हुआ नहीं होगा, वो लोग कलर शो करेंगे, वो कोई भी हो। जैसे कॉपर है, नंबर कितना होता है, 29 होता है। तो अब 29 नंबर कॉपर है, ये कलर शो करता है, नीले रंग के होते हैं कॉपर आयन। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल वाले केवल वो लोग कलर शो नहीं करते हैं जिन लोगों का ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, बाकी जितने डी ऑर्बिटल है वो सब कलर भी शो करते हैं। उसी तरीके से ये उत्प्रेरक भी नहीं होगा, जिंक उत्प्रेरक का काम नहीं करेगा, कम करेगा। क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, अबे जिसके सारे डब्बे पूरे भरे हुए हैं वो क्यों चिराइन में पड़ेगा यार। जिसके कहते नहीं है कि जब आदमी मेहनत भी तभी करता है जब उसका पेट खाली हो, उसे चाहिए पेट भरा हुआ पड़ा हुआ खाली प्रवचन दो, फिर वो वाला मामला ना। तो ये जो लोग कंप्लीट है सर, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन मतलब इसकी औकात क्या है, तो औकात इसकी ये है कि ये कलर को नहीं बता पाए, तो नहीं बता पाए, प्लस कुछ बॉन्ड्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये स्प्लिटिंग को नहीं बता पाए कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल टूटेंगे। सर जी स्प्लिटिंग होती क्या है, देखिए अभी हम पीडीएफ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन पहले बेस बना लो प्लेटफॉर्म। स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग का मतलब सरल भाषा में कहें बिखरना होता, टूटना होता है। डी ब्लॉक आप समझ लो, डी ब्लॉक में अगर आप कतई बौ रहे हो कुछ नहीं मालूम है, तो डी ब्लॉक में मेरे भाई डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, 5 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं शुद्ध भाषा में, समझो। तो कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5, इनमें से होगा क्या, 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे। जो 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे उन्हें कहा जाएगा ईजी लेवल। क्या कहेंगे, ईजी लेवल। सर जी ये ईजी क्या है, ये एक डिनोट करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जहां से हम कोई ना कोई सिंबल उठा लेते हैं। तो इन 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग ईजी लेवल कहा करेंगे, और जो 2 अलग होंगे इन्हें कहा करेंगे T2G लेवल। नॉर्मली क्या होता है, 5 लाइन से लिखे हुए हैं, मतलब 5 की एनर्जी सेम है, लेकिन होगा क्या, जब स्प्लिटिंग होगी, जब ये लोग टूटेंगे, तो कुछ की एनर्जी थोड़ी सी कम रह जाएगी, कुछ की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जिनकी कम रह जाएगी उन्हें एक लेवल बना देंगे कि भैया जो कम कम वाले हैं वो एक लेवल में है, ज्यादा ज्यादा वाले हैं वो दूसरे लेवल में, ठीक है भाई। तो अलग अलग तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग किया करेंगे, इसे कहते हैं टूटना या स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, ठीक है भाई। जैसे कोई अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह करता होगा तो देखता होगा स्प्लिट, वीडियो वहीं से टूट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिमिटेशंस, पेपर में लिमिटेशंस नहीं आएंगी, आएंगी तो हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, लेकिन लिमिटेशंस नहीं आएंगी। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है,
इसके आधार पर आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को कैसे बताएंगे सर। ठीक, अगर आप सेमेस्टर में हैं तो 15 नंबर में मिलेगा, और अगर वैसे नॉर्मली तो लॉन्ग आता भाई, सीधी सी बात है। तो जरा देखिए यहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जीज की डिफरेंस जो था उन्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाई। वही हमने बताया कि एनर्जी का डिफरेंस कैसे होगा, स्प्लिटिंग होगी, कम वाले एनर्जी नीचे आ जाएगी, ज्यादा वाली ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये कौन नहीं बता पाया, बीबीटी नहीं बता पाई। वही हमने लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जीज का डिफरेंस है वो ये लोग बता नहीं पाए सर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उनकी एनर्जी, तो कलर को भी नहीं बता पाई है। तो अब ये बेसिक है, पढ़ लेंगे। इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे जाएंगे, बीडीकेड इन बीएससी आप सर्च कर लोगे। ये कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रम के बारे में, अब सर जी स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में क्या फर्क है, दोनों एक ही शब्द है मेरे भाई। स्पेक्ट्रम एक वचन है, सिंगुलर शब्द है, स्पेक्ट्रा बहुवचन प्लूरल शब्द है। मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रम का, सरल भाषा में स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह। वो रंगों का समूह हो सकता है, ऊर्जा का समूह हो सकता है, किसी का भी सत्ता रंगों का समूह हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कलर की बात करेंगे कि कितने कलर हैं, कौन सी चीजें हैं, तो स्पेक्ट्रा कर रहा है। ठीक है, के बारे में नहीं बता पाई। बीबीटी ये बताने में सक्षम नहीं है कि क्यों एफ निगेटिव और एच टू ओ लिगेंड्स यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि सी एन निगेटिव और एन एच थ्री लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सर जी हमें तो यही नहीं मालूम हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी एक्सप्लेन करेगी कि कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यही तुम लोग, यही इसकी कमियां हैं, वो सब उसमें सही हो जाएंगी। ठीक है, बीबीटी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तथा इनर ऑर्बिटल के निर्माण का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, यानी बीबीटी ये नहीं बताती है कि जो बाहर वाले ऑर्बिटल हैं उनका निर्माण कैसे हो। सरल भाषा में वही चीजें घूम घूम के हो रही हैं कि कौन से ऑर्बिटल बाहर हैं, कौन से अंदर हैं, कुछ नहीं बता पाई है सर। ठीक है, और बीबीटी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को भी नहीं बताती, यानी किस तरीके से डी ऑर्बिटल टूटेंगे ये भी नहीं बताती। ठीक, यहां पे टोटल 6 पॉइंट है, 2 नंबर में ये आएगा अगर आता है बाई चांस, तो पहले नहीं आएगा, तो अगर आप इसमें 4 पॉइंट भी लिख दोगे काम चल जाएगा भाई। ठीक, चलो बेकार की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसे बहुत आराम से समझिएगा, लॉन्ग में एक मेरे भाई आएगी। किसने दी है, एच बेथे ने दी है, और वॉन ब्लैंक बोल लो उसे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहां पे वी है, ये वॉन ब्लैंक बोलेंगे सर। ठीक है, तो एच बेथे ने दी है, क्या पर्पज है, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जितने मेटल मतलब धातु, धातु के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उनमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। समझना भाई, बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मेन पॉस्टुलेट्स मतलब क्या क्या आप धारणा इसकी, किसी कॉम्प्लेक्स में एक मेटल एटम लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। मेरे भाई जो लोग फाइनल ईयर में है वो लोग थोड़ा उन्हें पुराने दिन याद दिलाने पड़ेंगे। आ जाओ, हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे सब बिल्कुल सरल वाला लिखेंगे, K4FeCN का होल ऑफ 6। आराम से देखना, थोड़ा सा कठिन है ये, हमें मालूम है यूनिट, लेकिन आराम से समझाएंगे। मेरे भाई जो बाहर लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन, साथ में बोला करिए भाई, क्या कहते हैं, सिंपल आयन। जो यहां लिखा होता है इसे कहते हैं CMA, क्या कहते हैं, CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में कहेंगे मुख्य धातु परमाणु। और इसके अलावा बड़े ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ, यहां तो खाली CN ही लिखा हुआ, तो ये जो CN है ये लिगाइंड है, क्या है मेरे भाई, लिगाइंड है, क्या है ये, लिगाइंड है। तो अब क्या है, आराम से समझो इसे, इसे CMA क्यों कह रहा है, CMA का मतलब सेंट्रल, हमेशा बीच में कौन होगा, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो बीच में कौन होगा, Fe होगा, सेंटर में होगा, इसके चारों तरफ कौन होंगे, CN, यानी लिगाइंड इसे ऐसे करके घेरे होंगे, अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे, और यही कहीं कोने में जो K है वो भी इनसे जुड़े होंगे, क्योंकि CN के ऊपर माइनस होता है, K के ऊपर प्लस होता है, जो लोग भी यही कहीं कोने में इनसे जुड़े हुए होंगे, लेकिन सेंटर में कौन होगा, सेंटर में Fe होगा, इसलिए इसे कहते हैं CMA, मतलब सेंट्रल मेटल एटम। ठीक भाई, बात क्लियर हो गई, अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लिगेंड्स के द्वारा घिरा होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मेटल एटम और लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस के रूप में बिहेव करते हैं, मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के समान, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले लिगेंड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया मेटल का मतलब क्या होती है, धातु होती है, तो बीच में जो मेटल होगा तो वो कैसा होगा भाई, वो प्लस की तरह बिहेव करेगा, और जो चारों तरफ CN है वो कैसे थे बताओ, माइनस की तरह बिहेव करेंगे। कुछ लोग कहेंगे अच्छा एक बात और, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, अभी हम दिखाएंगे आपको ऐसे करके,
ये अभी नीचे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सारे लिगैंड पहले तो समझना पड़ेगा। कभी कभी हमें खुद लगता है कि यार जो बच्चा सामने बैठा हुआ है पता नहीं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। जो इस तरीके का एरो बनता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी सरल भाषा में कहें उपसह संयोजक बंध। इसका मतलब होता है कि किसी जो इधर लिखा हुआ है इसने दो इलेक्ट्रॉन इधर वाले को दिए हैं। इस एरो का मतलब होता है मेरे भाई दो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हमने यही लिखा होगा कि जो बीच में है वो प्लस है क्योंकि मेटल है। अरे धा धा से याद कर लो यार, धा से धातु और धा से धनायन, प्लस वाला धातु यानी मेटल होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं और जो लिगैंड होगा वो दो इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है भाई। कठिन नहीं है, आराम से समझो, एक बार पढ़ लेना आ जाएगा। मेटल और लिगैंड के बीच अट्रैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या यार, विद्युत, जाहिर सी बात है। अरे यार घर में बत्ती होती है, एक काला तार होता है एक लाल तार होता है, एक प्लस एक माइनस, तो जहां प्लस माइनस होगा उसे क्या बोलोगे, विद्युत बल कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो। मेटल और लिगैंड के बीच की बॉन्डिंग 100% आयनिक होती है। आयनिक का मतलब एक प्लस एक माइनस, आयनों में टूट जाएगा बॉन्ड आराम से। यदि लिगैंड एक एनायन है तो मेटल तथा लिगैंड के बीच अट्रैक्शन एक कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन के समान ही होता है। यानी जैसे एक प्लस और माइनस के बीच, एक धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्शन होता है, वैसे धातु और क्या है दूसरा लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक। ये देखिए यहां पर हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। क्या है भाई, देखो बीच में कौन है बताओ, बीच में है CMA। मजा बहुत आ रहा होगा, कतई खो जाओगे मेरे भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और ये ऐसे टॉपिक है लोग घबराते हैं इसे पढ़ाने से, लेकिन बहुत बेहतरीन टॉपिक है, समझिए। ये क्या है, CMA है, बीच में है, सेंटर में, और इसके चारों तरफ कौन है बताओ, लिगैंड है। चारों तरफ कौन है, लिगैंड है। अब अभी आपने सर जी बताया ऐसे वाला बॉन्ड बनता, ऐसे वाला सर जी, ऐसे वाला बॉन्ड वो क्या जुगाड़ है, वो ठीक है बॉन्ड जब इसका स्ट्रक्चर बना, यहाँ कहीं के दिख रहा है नहीं, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या कहा, इसके ऊपर जो पॉइंट है उसे दिखा रहा है। पॉइंट ये कह रहा है कि जब इस पे प्लस होता है इस पे माइनस होता है तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो आयनिक होता है, यानी एक धनायन और एक ऋणायन के समान होता है। तो ये हम दिखा रहे हैं कि भैया ये प्लस है ये माइनस और इनके बीच जो अट्रैक्शन है ये कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है भाई। लेकिन एक और भी कंडीशन है, परंतु यदि लिगैंड न्यूट्रल हो, लिगैंड बाबा है, उदासीन है, जैसे H2O, H2O के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तब क्या होगा, तो लिगैंड के डाइपोल का निगेटिव और मेटल की ओर ओरिएंटेड होता है। इसे अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा आराम से। यहां देखो भाई, मान लिया ये है, ये तो प्लस है, लेकिन जो H2O है यह उदासीन है। उदासीन का मतलब ये प्लस, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो हमने आपको एक डायलॉग बताया था कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो ऑक्सीजन होता है इसका नंबर 8 होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई चाहिए होते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं। लेकिन जब ये इनसे जुड़ता है तो ये साझेदारी करता है, लेकिन भले ही इसने साझेदारी कर रखी है लेकिन ये अपनी औकात तो दिखाएगा, अपना माइनस पना दिखाएगा, सरल भाषा में कहें तो। इसके ऊपर आंशिक रूप से, पूरी तरीके से जो माइनस नहीं हो सकता क्योंकि भैया जुड़ा हुआ, जो इन लोगों से जुड़ा हुआ, इनकी बीवी कहेंगी मारेंगे बहुत तुम्हें, तो जो इनसे जुड़ा हुआ तो ये क्या है, आंशिक रूप से दिखाएगा। कई लोग होते हैं उनकी बीवी, जैसे हमारे एक लोग जान पहचान वाले हैं, आपको बताएं, नाम नहीं बताएंगे, वीडियो में लोग देखते हैं, लेकिन वो पता क्या करते हैं, जब कभी अपनी बीबी से बात कर रहे होते हैं मेरे सामने बहुत लंबी लंबी लपेटेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, और रियलिटी में पता क्या, घिनवाते रहते हैं, 5 रुपए दे दो 10 रुपए दे दो। तो वैसा ही है, तो ये आंशिक रूप से माइनस होगा और ये प्लस है, तो इनके बीच में आंशिक रूप से। अब इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद करो यार, थोड़ा पिछले याद करो, फाइनल ईयर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, जहां भी हो यार, तो इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आंशिक रूप से चीजें होती हैं और ऐसे करके चीजें बना करती थी, याद आ रहा है सर, ठीक। उसी तरीके की कुछ ये बॉन्डिंग है, सरल भाषा में हम इसे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और अच्छी भाषा में कह दो तो ये वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं, यानी कोई कमजोर सा बल है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, बस इतना आपको समझना है सर, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के आधार पर निर्धारित होती है। कूलाम का नियम आपने 12वीं क्लास में पढ़ा, क्या होता बताओ, एफ समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सर जी ये प्लस माइनस क्या है, मेरे भाई क्यू प्लस यानी एक प्लस वाला आवेश है एक माइनस वाला आवेश, तुम्हारा मन करे तो Q1 Q2 लिख लेना, मन करे क्यू प्लस क्यू माइनस, पता चलना चाहिए दो आवेश है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया क्यू प्लस क्या है, चार्ज ऑफ मेटल यानी प्लस वाले पे चार्ज है, धातु पे, माइनस क्या, चार्ज ऑन लिगैंड है। आप Q1 Q2 लिख दो तो यहाँ वो लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर क्या है, बीच की दूरी होगी भाई, ठीक। अगला पॉइंट, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है हाई स्पिन और क्या होता है लो स्पिन, आराम से समझना है, पढ़ते हैं पहले।
जब मेटल को लिगैंड अप्रोच करता है, यानी मेटल के पास लिगैंड जुड़ने के लिए आया, तो लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये देखो भाई, अभी जो हम बता रहे थे, अब आपको समझना पड़ेगा, बीच में कौन है बताओ, सीएमए है। बीच में कौन है, सीएमए है। और यहां कौन है बताओ, लिगैंड है। लिगैंड क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन इन्हें देगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर देगा। तो जब ये इन्हें अप्रोच करेगा, ये इन्हें क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मेरे भाई कुछ मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या, ये लिगैंड देने की कोशिश करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ, तथा मेटल के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि उसके पास जो डी ऑर्बिटल है कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, कुछ लिगैंड देने की कोशिश करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होगा, दो प्लस, दो माइनस वाले, दो प्लस वाले कभी पड़ोस नहीं आते, तो उनमें खिंचू मचेगा यानी रिपल्शन होगा, जिससे मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो बी पॉइंट समझिए, यहीं पर खेल हो जाएगा। देखिए, डी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री तथा स्पेस में इसके ओरिएंटेशन के कारण सभी डी ऑर्बिटल लिगैंड से समान दूरी पर नहीं होते हैं। बे डी ऑर्बिटल्स जो लिगैंड से अधिक दूरी पर होंगे उन पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, जो कम दूरी पे होंगे उन पे रिपल्शन कम लगेगा। सर ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, अधिक रिपल्शन का अनुभव करेंगे और इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जिस पे जिनका खिच्चू ज्यादा मचेगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिन पे कोई रिपल्शन नहीं लग रहा वो पड़े रहेंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात, तो उनकी एनर्जी भी कम बढ़ेगी। इस फैक्ट के कारण लिगैंड्स के द्वारा घिरे मेटल के डी ऑर्बिटल्स में डी जनरेसी समाप्त हो जाती है। डी जनरेसी मतलब जो पांचों लाइन से रखे हुए थे अब वो खत्म हो जाएगा, और क्या होगा, इस घटना को स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब समझो मेरे भाई, अगर कुछ नहीं आता है तो इस तरीके के पांच ऑर्बिटल होते हैं, तीन हमने अलग कर दिए हैं और दो अलग कर दिए, कठिन बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। देखो ये क्या, पहला dxy, इस तरीके से पांच हम बनाए दे रहे, देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक, तो एक दो तीन, ये एक दो तीन ये अलग हो जाएंगे, और ये आखिरी वाले एक दो, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके के पांच ऑर्बिटल बनते हैं, डरना नहीं है। पहला कौन सा, एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में उपस्थित है। ठीक है, अब जो सर जी, जो फूल उल पत्ती क्या बनी हुई है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो दुई डंबल आकार होता है, डबल डंबल, ये जो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं डी ऑर्बिटल। सर ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल बने हुए हैं जो एक्सिस के बीच में है, और ये वाले एक्सिस के ऊपर है, तो ये फर्क है दोनों में। देखिए, ये तीनों एक्सिस के बीच में है, ये एक्स वाई के बीच, वाई जेड के बीच, जेड एक्स के बीच, और ये क्या है, ये एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो ये फर्क है इनमें, तो जो ऊपर है वो अलग होगा और जो बीच में है वो अलग होगा। यहां पे लिख दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की सहायता से निम्न फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर एक, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे एक्सप्लेन होंगे, कि कौन सा, यही तो दिक्कत थी यार, अब यहां एक्सप्लेन होगा। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बताएंगे हम इसकी सहायता से, डिफरेंट एनर्जीज बताएंगे हम, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी चर्चा करेंगे इन सब की साथ। तो सबसे पहले हमने लिखा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हालांकि टेट्राहेड्रल भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे जो बार बार पेपर में आता है, और आप अनसॉल्व उठा के देखना, यही वाला आया होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला बार बार। ठीक है भाई, चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, आप बिल्कुल आराम भाषा में लिख दिया, कि मेटल एटम छह लिगैंड से घिरा होता है। देखना है तो यहां देखो, बीच में मेटल एटम है और चारों तरफ गिल्लो, एक दो तीन चार पांच छह लिगैंड मेरे भाई घिरे हुए हैं। ठीक, जब लिगैंड मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो मेटल आयन के बी डी, फिर वही वाली बात है, जो पड़ोस में होंगे वो ज्यादा रिपेल होंगे, बे डी ऑर्बिटल अधिक रिपेल करते हैं जो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सिस पे दो ही प्रेजेंट थे मेरे भाई, ये देखो कहां गया, एक्सिस पर दो ही प्रेजेंट है, कौन सा, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, तो वो लोग ज्यादा रिपेल होंगे जो एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, यही हमने लिखा हुआ। ठीक है, कहां गया, ये है, और बे डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन करते हैं जो दो एक्सिस के बीच में होते हैं, तो बीच में कौन थे, तीन थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, हमने वीडियो की शुरुआत यहीं से की थी, बताओ इन वालों को हमने मान लिया ईजी लेवल, क्या माना, ईजी लेवल, और तीन वालों को हमने क्या मान लिया, टी टू जी लेवल। सर जी जी हाय क्या जी जी पता नहीं क्या, ये केवल एक सिंबल है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, कोई ग्रीक से उठा लिया जाता है, कोई कहीं से, तो अभी इतना थोड़ी ढोएंगे हम लोग, तो दिखाने का तरीका होता है, क्योंकि अभी हम इनकी फॉर्म में विन्यास बनाएंगे, तो जब हम इनकी फॉर्म में अगर हम इतना तीन तीन ढोएंगे तो बड़ा दिक्कत करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस इन दोनों को ईजी लेके चलेंगे और इन दोनों को टी टू जी लेके चलेंगे। ठीक भाई, अब समझो, EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इंक्रीज T2G की एनर्जी से होने वाले इंक्रीज से ज्यादा हो जाता, अतः D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग निम्न प्रकार होती है। समझो भाई, सबसे पहले यह है डी जनरेट, यानी कोई डी जनरेसी नहीं, सब लोग बराबर में है, पांच ऑर्बिटल मेरे भाई हैं, इसे समझना चित्र को बहुत आराम से।
यह है टोटल 5 ऑर्बिटल। ठीक, अब क्या हुआ, जब रिपल्शन होना शुरू हुआ तो ये जो बीच की स्टेट है ये स्टेट एक्चुअल में नहीं दिखाई देगी हम लोगों को, हम लोगों को एक ये वाली दिखाई देगी और एक ये वाली दिखाई देगी। ठीक, लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। मान लिया किसी जमाने में हम कतई फटी चढ़ते, ऐसा कोई जादू नहीं होता, पिक्चरों में होता लगातार एकदम से लॉटरी लग गई हीरो बन गए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके आप मेहनत करोगे, प्रोसेस होगा, ऐसे करके चलेगा। तो उसी तरीके से यहां पहले एनर्जी कम थी, एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, तो बढ़ते बढ़ते ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन आई होगी जब इनकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते शायद इतनी हो गई होगी, और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, समझ रहे हो, एक परिवार में 5 लोग थे, अब पैसा अंधाधुंध है तो क्या खिच्चू मचेगा यार, जो एक्सिस के ऊपर थे वो अलग हो गए और जो बीच वाले थे वो अलग, उनने तुम्हारी अपनी पार्टी मेरी अपनी पार्टी। अब इनके बीचों बीच से जो लाइन गई है ये एक सेंटर का काम कर रही है, वहां पे छुप गया है, इसे हम लोग कहेंगे बेरी सेंटर। क्या कहेंगे? बेरी सेंटर। इसलिए कह रहा है वीडियो पूरी देखा करो, बाकी तो पीडीएफ आपको मिली जाएगी टेलीग्राम, इसे कहते हैं बेरी सेंटर। ऊपर वाला लेवल ईजी है, नीचे वाला T2G। सर जी एक दिक्कत लग रही है, क्या ये जो बीच में आपने DQ लिख दिया 10DQ, ये आइटम क्या है? ये DQ भी मात्रक है, यूनिट है नापने की एनर्जी को, बीच में जो एनर्जी उसे कैसे नापेंगे। देखो यहां पे हमने आपको दिखा रखा है, एक मिनट रुकिए, ये देखो यहां लिख दिया हमने डेल जीरो बराबर होता है 10DQ के। डेल जीरो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम लोग नापते हैं डेल जीरो से। पढ़ेंगे भी ऐसे, इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है कि सर जी इसे कैसे पढ़ते हैं क्या है, लगता है सर जी को मालूम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है, इन्होंने नोट किया सर। ठीक है, और डेल जीरो और DQ क्या है? यूनिट्स ऑफ CFS है, CFS का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को नापने के ये मात्रक है कि हम इसमें नापा करेंगे कितने दूर है, 4 है 5 है, इस तरीके से सर। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एनर्जी निकाली जाती है, ये स्प्लिटिंग हो गई। अब आराम से समझो, अगर आपसे कहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताओ तो सिर्फ थ्योरी लिख देना, आपसे कहे स्प्लिटिंग भी बताओ तो स्प्लिटिंग, अगर आपसे कहे एनर्जी भी निकाल के दिखाओ तब देखो। अब एनर्जी पूरे की नहीं निकालने को आएगी, एनर्जी कहेगा D1 की निकालो या फिर D4 की निकालो, अभी हम आपको देखो सिखाएंगे, यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे कहेगा, कहेगा एनर्जी जो निकालनी है खाली D6 की निकालो। अब आप ढूंढ रहे हो, सबकी थोड़ी लिखोगे, देखो कैसे। तो अब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में ही पेपर में लिख के आएगा CFSE, तो आपको ऐसे ही पता करना। ठीक है, हम लोग ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कैसे निकलती है, आराम से समझना, जिसका 12वां क्लियर है बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, किसी कॉम्प्लेक्स की CFSE को निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई होता क्या है, बीच में अब उसे तो हम भूल जाए जो टूट गया उसका मतलब नहीं, ये रियलिटी है अपने सामने। नीचे वाले लेवल को हम लोग क्या कहेंगे, T2G लेवल कहेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, EG लेवल कहेंगे। टोटल गैप कितना होता है, 10DQ होता है, लेकिन जो ऊपर वाला है उसे हम लोग प्लस का 6DQ, दो में तोड़ दिया हमने, ऊपर वाले को हम लोग प्लस 6DQ माना करेंगे, नीचे वाले को माइनस का 4DQ लिया करेंगे। चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है, आप नीचे वाली चीज कम दिखाएं ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा दिखाएं तो लगे कि वो 6DQ के बराबर है। ठीक है, ये बेरी सेंटर। अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत आराम से समझना। एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2 लेवल इक्वल टू माइनस का 4DQ। इसका मतलब क्या, देखो भाई अब यहां पे लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन आप इतने बड़े क्लास में इतना समझ लोगे। डी ऑर्बिटल है, ठीक, डी में कितने थे बताओ, 5 यहां बना हुआ। मान लिया डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरोगे बताओ, 1, 2, 3, ठीक, चौथा हो सकता है यहां चला जाए या हो सकता है यहां आ जाए, दोनों कंडीशन अभी दिखाएंगे आपको। तो हो क्या रहा है कि जो जो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां होंगे उनकी एनर्जी लेंगे माइनस का 4DQ, ठीक, लेकिन ये DQ की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल जीरो की फॉर्म में। देखो तो चाहो तो इसे माइनस का 4DQ लिख लो और डेल जीरो की फॉर्म में लिखो तो 1/10 होता है, तो माइनस का 0.4 डेल जीरो। दोनों हम आपको बता रहे हैं, DQ की फॉर्म में ये, डेल जीरो की फॉर्म में ये, ठीक। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचता है ईजी लेवल में तब क्या करोगे, तो ईजी लेवल में लेंगे प्लस का 6DQ, देखते चलना इसे, या फिर ले सकते हैं 0.6 डेल जीरो, ठीक, कोई दिक्कत, प्लेटफॉर्म बन गया। अब देखो पेपर में आ गया CFSE निकालो, अब तीनों नहीं आएंगे, ऐसे आएगा D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, कोई एक आ गया पेपर में, देखो क्या होगा। ये तीनों की कंडीशन सेम ही चलेंगी, बताओ यहां देखो, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, जरा देखो यार क्या है, बताओ 3 इलेक्ट्रॉन D1 है मान लिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, D2 है तो दूसरा यहां आ गया, अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा यहां, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तक तो यहीं आएंगे, ऊपर जाने का कोई चांस
नहीं है। तो अगर कोई कहे डी वन बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, किससे गुणा करोगे? माइनस का फोर डी क्यू या माइनस का पॉइंट फोर डी क्यू से। दो बताओ तो इसकी गुणा किससे कर दोगे? दो से। तीन बताओ तो तीन से कर दोगे। देखो ऐसे, ये देखो कि टी टू जी में एक, ई जी में कोई नहीं गया, वन से गुणा कर दी। टी टू जी में दो, ई जी में कोई नहीं गया, टू से गुणा कर दी, चार दूनी आठ हो गया। टी टू जी में तीन, तीन से गुणा कर दी, चार तीन बारह हो गया, ई जी में कुछ नहीं। लेकिन 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 जैसे ही डी में चार इलेक्ट्रॉन हुए, अब क्या होएगा? देखो भाई यहां पर एक दो तीन, अब चौथा यहां भी आ सकता है और वहां भी जा सकता है। तो हमने यहां लिखा, क्या लिखा भाई, कहां गया? D4 सिस्टम में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन में जंप इन ईजी लेवल, यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जा सकता है ईजी लेवल में, या इट मे पेयर अप इन टी2जी लेवल, या फिर उसकी पेयरिंग हो सकती है चौथे वाले लेवल में। देखो भाई थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरा समझाने की। क्या है, थोड़ा वापस चलते हैं, बहुत आराम से समझिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और क्योंकि पेपर भी आपके पड़ोस में ही है, जो लोग थर्ड सेमेस्टर है उनके तो पेपर चल रहा है। देखो भाई एक दो तीन, अब चौथा या तो यहां जाएगा ये चार, या अगर यहीं आएगा तो फिर एंटी क्लॉक, क्योंकि भैया एक डब्बे में कितने ऑर्बिट, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो, एक दो। तो या तो यहीं पे आ जाएगा यानी पेयरिंग हो जाएगी, या फिर जंप करके ऊपर चला जाएगा। अब सुनो, अगर यहीं पे पेयरिंग हो गई तो यार नीचे वाले में तो माइनस का फोर डी क्यू ले रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सिक्स डी क्यू लेंगे। देखो कैसे, देखो भैया देखो कहां गया, ये आ गया सर। देखिए तो हमने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी लेवल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी सर, ठीक है। जो एनर्जी जंप करने के लिए चाहिए होगी उसे डेल जीरो कहते हैं, और अगर पेयरिंग हो रही है तो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम लोग पी से लिख लेंगे, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी है सर, ठीक है। अगर डेल जीरो का मान पी से कम है तो जंपिंग हो जाएगी, अगर डेल जीरो का मान ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है यार, जो एनर्जी ज्यादा होगी वही होगा। तो ये प्रॉपर लिखा हो, ये आप नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां समझो पेपर में ये आएगा। डी फोर सिस्टम क्या है भाई, अगर बाई चांस जंपिंग होती है तो टी टू जी यानी नीचे वाले में कितने आ गए? तीन। देखो भाई नीचे वाले में कितने आ गए? तीन। और ऊपर जंपिंग हो गई यानी ईजी में कितना आ गया? एक। या फिर नीचे वाले में पेयरिंग हो गई T2G4 हो गया और ऊपर वाला हो गया मेरे भाई जीरो, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? अगर T2G में तीन है तो यहां कितना लिखोगे? तीन गुणे माइनस का फोर डी क्यू, प्लस एक ऊपर वाले में भी है तो प्लस का कितना आ जाएगा? सिक्स डी क्यू। डी क्यू लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो चार तिया बारह माइनस के, बारह में गए छह, कितने बचे? माइनस का सिक्स डी क्यू। लेकिन अगर सारे नीचे ही हैं तो नीचे वालों के लिए कितना ले रहे हैं? फोर। तो माइनस का चार चौक कितना हो गया? माइनस का सोलह डी क्यू। समझ में आ रहा है मेरे भाई? फिर से समझ लो बाय चांस, तो यानी नेट सीएफएसी कितना होगा? निकालने का तरीका होता है, यहां पे हमने नीचे लिख के दिखाया। यहां देखो सर ये टेबल बनी हुई, इसे देखिए, ये ठीक है, ये वही है, वन टू थ्री सेम है, ठीक है। फोर फाइव सिक्स में देखो क्या हो रहा है, ये देखो सर, अगर डी फाइव होगा तो क्या होगा बताओ? डी फाइव में दो कंडीशन है, या तो टी टू जी में तीन, ईजी में दोनों ऊपर चलेगा, समझ में आ रहा है, और या फिर सामने टी टू जी में पांचों नीचे ही हैं, ऊपर कोई भी नहीं गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये जीरो कैसे आ गया? लो समझो मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, यहां देखो टी टू जी में तीन है तो नीचे वाले के लिए माइनस का चार लेते हो तो चार तिया कितना हो गया? माइनस का बारह हो गया, और ऊपर वाले में कितने हैं? दो हैं। तो जब ऊपर वाले में दो हैं तो ऊपर के लिए कितना लेते हैं? प्लस का छह लेते हैं, तो छह दूनी प्लस का बारह हो गया, बारह से बारह क्या हो गया? कैंसिल। यहां कितना आ गया? जीरो आ गया। लेकिन अगर यहां सिर्फ इसी तरीके से नीचे ही पांचों है तब क्या होगा? तो नीचे वाले के लिए चार लेते हैं तो पांच चौ कितना हो गया? बीस। तो माइनस का बीस डी क्यू आ गया, समझ गए सर आप? इसी तरीके से डी सिक्स चलेगा, डी सेवन चलेगा, सारे चलेंगे, और ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यही वाले, डी फोर से लेकर डी सेवन तक मोस्ट वांटेड है। ऐसे पूछेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, और उसके आधार पर इनकी किसी एक की पूछ लेगा, डी फाइव की एनर्जी बताओ, फोर की बताओ, वो आप अनसॉल्व में चेक करना बैठ गए सर, ठीक है। और नहीं भी चेक करना तो कोई दिक्कत नहीं है, चार डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन जरूर देखने सर, ठीक है। आइए समझ लो यहां तक का जो क्लास था वो ब्रह्मास्त्र था, हालांकि अभी हम लोग 12वें पेज पे पहुंचे हैं, 35 पेज की पीडीएफ है और अभी चलेगी पूरी, लेकिन अब यहां से जो आया वो आपको एक अखबार की तरह पढ़ना है। देखो कैसे, यहां लिखा हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, पेपर में आ गया कि कौन से फैक्टर हैं जो स्प्लिटिंग पे प्रभाव डालेंगे। तो पहला जो फैक्टर है मेरे भाई वो है नेचर ऑफ लिगैंड। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर लिगैंड माइनस वाला है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर वो उदासीन है H2O वाला तो क्या होगा? तो वो एक नहीं इंटर वीक
फोर्स होंगे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा। तो आप सबसे पहला डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन की, मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैसी ज्योमेट्री, उस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहां पे हमने पेज में लगाया, बहुत 3-4 पेज लगाए, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना। देखो कैसे, जैसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ लिगेंड, और अलग से शॉर्ट में पूछी जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। देखो CFS यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मुख्य कारण सेंट्रल मेटल एटम या आयन के डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का रिपल्शन होता है। खिचू मचता, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिक रिपल्शन से CFS ज्यादा होता है, कम रिपल्शन से CFS कम होता है। लिगेंड सेंट्रल एटम से पूरा सब वही लिखा हुआ है, ठीक है, कम CFS। अब देखो यहां से पढ़ो, वो लिगेंड जो लो CFS यानी जिसकी स्प्लिटिंग कम होती उसे वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, और इससे प्राप्त होने वाले कॉम्प्लेक्स को वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब ये पूछा जाता है 2 नंबर में, पूछा जा सकता है 3 नंबर में, जिसमें भी आपके में आता है कि कौन से लिगेंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो बताओ सरल भाषा में, वह लिगेंड जो जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है, उल्टा है, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है यानी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है उसमें, तो वो कैसा स्पिन फ्री है, या फिर उसी को कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो म्यू, म्यू क्या है, म्यू मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट वाले की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वाले से ज्यादा होगी, सटीक मैग्नेटिक मोमेंट है। ऐसे ही इसके लिए फार्मूला होता है भैया, म्यू कैलकुलेटेड बराबर कैलकुलेट करने के लिए अंडरवुड एन, एन प्लस टू बीएम। बीएम क्या होता है, बीएम होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन, एक बोहर्स मैग्नेट्रॉन की एक निश्चित वैल्यू होती है, ठीक है भाई। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन, मेटल आयन में कितने बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है वो एन का मान होता है, ठीक है भाई। इसी प्रकार उसका उल्टा लिखा हुआ है, हाई CFS होगा तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहलाएगा, या फिर हम लोग उसे कहेंगे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, सब ये समझते हुए चलो, क्योंकि पेपर पड़ोस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो 7-8 पॉइंट है आपको पता होना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है पता होना चाहिए, एनर्जी में केवल 4 आपको निकालने, D4 D5 D1 कभी कभी पूछ लेता लेकिन वो तो सरल है, कोई भी लिख लेगा, D4 से D7 तक जरूर। और ये जो इंतजाम लिख रहा है इसमें आपको ये तीनों हेडिंगें पता होनी चाहिए कि कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित कर रहे हैं, और उसमें लिखना क्या है। तो नेचर ऑफ लिगेंड में आप क्या लिखोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके बाद ये पता होनी चाहिए 3 नंबर में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी वैसे ही यहाँ उस वो किसमें होती थी, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, ये है स्प्लिटिंग के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में। देखिए डिफरेंट लिगेंड्स को CFS उत्पन्न करने की क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो सीरीज मिलती है उसे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, बिल्कुल आसान है। और ये लिगेंड के नाम लिखे हो, ये पूरी सीरीज है, देखो I नेगेटिव, BR नेगेटिव, CL नेगेटिव, F नेगेटिव, ऑक्सिलेटो सारे लिखे हुए हैं, PY पिरिडीन, NH3, ठीक है। आप कुछ लोग कहेंगे इतनी लंबी सीरीज हम कैसे याद करेंगे, कौन कह रहा है याद करने के लिए, आपको शुरू के 10 याद हो जाए 10 लिख देना, कोई टेंशन नहीं, कोशिश करो पढ़ने की, नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करोगे, जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, ठीक भाई। तो इस तरीके से चीजें ये चलती हैं। जैसे दो हमने एग्जांपल लिख दिए हैं, CN नेगेटिव इसमें है, ये माइनस वाला जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, दूसरा H2O उदासीन वाला, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। दोनों का एक एक एग्जांपल भी हमने लिख दिया, प्रॉपर यहां पे दिखाया हुआ भी हमने, आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, तो ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, आपको इतना पता होना चाहिए CMA पर हाई पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स को अपनी ओर अधिक तेजी से खींचता है जिससे CFS का मान ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, दो यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया, दोनों के लिए हमने फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है और प्रॉपर वेव नंबर बता रखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखा दिया और बता दिया कि किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिस तरीके से ज्योमेट्री होगी वो भी उसे प्रभावित करेगी, यानी ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको क्या करना, तीनों चीजें आपको पढ़ लेनी है, थोड़ा थोड़ा इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है कि किस तरीके से ये प्रभावित करता है, ठीक भाई। उसके बाद अब अपने काम की चीज आएगी ट्रांस इफेक्ट, ये मोस्ट वांटेड 3 नंबर में आएगा, आएगा ही आएगा, क्या लिखा हुआ सुनो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच मेटल आयन से कोऑर्डिनेटेड लिगेंड एंटरिंग लिगेंड को अपनी ट्रांस पोजीशन की ओर निर्धारित करता। आप सबसे पहले तो सर जी ये ट्रांस पोजीशन क्या होती, चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, होता क्या है, दो पोजीशन होती है मेरे भाई, एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। क्या होता है सिस और ट्रांस, लो देखो भाई, मान लिया बीच में कोई लिगेंड, आराम से समझना, ठीक। अब होगा क्या, मान लिया यहां हम लिख दें NH3 और यहां भी लिख दें हम NH3,
यहां लिखते हैं सीएल और यहां लिखते हैं सीएल। तो अब देखो दोनों सेम साइड वाले सेम साइड है, तब इसे हम लोग कहेंगे सिस। क्या कहेंगे? सिस। यानी जब लिगेंड सेम साइड लगे होंगे तो हम लोग उसे सिस कहेंगे। और बाई चांस मान लिया एक यहां सीएल लगा दें और एनएच थ्री इधर कर दें। अब लो देखो भाई सीएल की तरफ कौन आ गया? एनएच थ्री। अरे इधर से देख लो, अरे इधर से देख लो, किधर से भी देख लो, सेम साइड नहीं है। तब हम लोग इस पोजिशन को कहते हैं ट्रांस पोजिशन। तो ट्रांस इफेक्ट क्या है कि भैया जो लिगेंड है, लिगेंड कौन है? लिगेंड, वो आने वाला जो ग्रुप होगा उसे ऐसे सेट करेगा कि वो कौन सी पोजिशन पे जाए? ट्रांस पोजिशन पे। इस इफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। बिल्कुल आसानी से आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कठिन नहीं होता यार कुछ भी। देखो ये एक हवा बना दिया जाता कि बहुत कठिन है, लेकिन देखो कितनी आराम से चल रहा है, वन टेक वीडियो चल रही है यार, कोई दिक्कत थोड़ी। इसके हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दी है और किस क्रम में लगाते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक क्रम ऑर्डर लिखा हुआ, इसे आप देख सकते हो सर। ठीक है, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट में जो पहली थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है, उसके उससे रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे PT X4 है, PT के ऊपर कितने माइनस आते हैं, इसे आप देख लेना। ठीक है भाई, ठीक ठाक ही है। उसके बाद एक दूसरी इसकी थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, देखिए यहीं होगी, ये लिखी हुई है, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, ये भी कुछ कठिन नहीं है, आपने पढ़ रखी है। देखो इसमें दो बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। मेटल का जो खाली ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है? ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और जो मेटल का भरा हुआ ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है? पाई बॉन्ड बना लेता है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जितने भी डबल होते हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई होता है, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। बस इतना ही है सर। ठीक है, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने सुन रखी है, तीन तो सबने पढ़ रखी है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। क्या होती है बताओ? डायमैग्नेटिक क्या होता है? डाई मतलब क्या होता है? जोड़ा। डाई मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी हिंदी में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय। हाँ, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। तो जिनमें भैया ऑर्बिटल जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें कहेंगे डायमैग्नेटिक, जिनमें जो है बिना जोड़े के होंगे उन्हें कहेंगे पैरामैग्नेटिक, और जिनमें भैया कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होंगी जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं उन्हें कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। ये दोनों इन्हीं से प्रोड्यूस हुए हैं। कैसे? आपको दिखाते हैं। जैसे डायमैग्नेटिक क्या लिखा हुआ है? एक सब्सटेंस जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिपल्शन का अनुभव करता है, इन्हें डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, इन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इस फिनोमिनन को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्वयं से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर अरेंज करता है तथा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अवॉइड करता है। यानी जब इसे, यह कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब आप इसे इनके बीच में रखोगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन याद देखिए क्या लिखा हुआ, वीक रिपल्शन होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं घूमेंगे, कम घूमेंगे, उन्हें हम लोग कह देंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, बहुत सारे यहां पे लिखे हुए हैं ये। अब जो लोग थर्ड ईयर में हैं उनके में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो मल्टीपल में पूछा जाता है निम्न में कौन सा डायमैग्नेटिज्म है या कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तब देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल हमने लिख दिया, बेस सब्सटेंस जिनके, देखो अभी क्या कहा, डाई मतलब जोड़े में, बेस सब्सटेंस जिनके सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, और जो कोई तीर वाला काम नहीं है कि बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया। यहां देखो, मान लिया ये लिखा हुआ पहले नंबर पे स्कैंडियम लिखा, ले स्कैंडियम का नंबर कितना होता है? 21। ऐसे बनाया करना भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d छोड़ते थे 4s2, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब स्कैंडियम के ऊपर कितने प्लस हैं? 3 प्लस हैं, तो 3 प्लस का मतलब 2j चले गए, 1j चला गया। देखो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ गए, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। तो जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? देखिए अब वो रिपल्शन कर रहा था, ये क्या करेगा? वीक अट्रैक्शन शो करता है, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। ठीक है भाई, लिख दिया है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनमें बिना जोड़े, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फेरोमैग्नेटिज्म लिख दिया हमने यहाँ पे, जिनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, उनमें वीक अट्रैक्शन हो रहा था, इसमें स्ट्रॉन्ग। तो थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है आप आराम से उन्हें देख सकते हैं। इस घटना को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है भाई, प्रॉपर इनके बारे में कुछ, ये बहुत पूछा जाता है Fe क्या है, CO क्या है, Ni क्या है, ये सब फेरो में आते हैं, और ये वो लोग हैं जो मैग्नेट बनाने के भी काम आते हैं। इन्हें एक सर्टेन अभी आगे बताएंगे क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ले जाओ, इनके डोमेन तोड़ता डालो, गर्म कर डालो, मैग्नेटिक नेचर आता जाता रहता है। यहां देखिए लिखा हुआ कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कारण क्या है, इसे समझो आराम से। देखो खज्जार बाहुल लिखी है उसे मत देखो, जो थारा भाई चमन बता रहा है वो देखो। यहां देखो भैया, जे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मोशन करता है, एक अपने एक्सेस पर मोशन करता है
और एक नाभिक के चारों तरफ घूमता है, जैसे पृथ्वी एक अपनी जगह पर घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब वो चारों तरफ घूमता है तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता तो उसे कहते हैं स्पिन मोशन। तो दो मोशन होते हैं मेरे भाई, बस ये इतना संभव पूरा पवारा है लिखा हुआ, ये देखना भाई। पहला कौन सा है? स्पिन मोशन है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकता है, या तो सीधा घूमेगा क्लॉकवाइज या फिर उल्टा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। उसे निकालने के लिए फार्मूला है म्यू एस बराबर जी अंडर रूट एस एस प्लस वन बी एम। बता चुके हैं बी एम क्या होता है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है भाई। ऐसे ही दूसरा कौन सा होगा बताओ, ऑर्बिटल मोशन, उसे क्या लिख लोगे, म्यू एल से। जी देखो, म्यू एल बराबर जी एल अंडर रूट एल एल प्लस वन बी एम क्या है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन है। जब दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएगा, जे से लिख देंगे म्यू जे बराबर जी जे अंडर रूट जे जे प्लस वन इंटू बी एम। जे क्या है, एस और एल के बराबर है। जे कहलाएगा क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम। एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बात खत्म हो गई, टोटल जोड़ के जे का मान निकला है। अब इतना लंबा पन्ना बड़ा है, इसका क्या मतलब है बताओ। इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस पे घूमता है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम म्यू एस से लिख लेंगे, जब चारों तरफ घूमता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम म्यू एल से लिख लेंगे। टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, तो ये वही सब लिखा हुआ है, टोटल में जोड़ के लिख रखा। कॉज फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म, इनका क्या कारण है। तो यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसमें जितने भी होंगे देखिए, सब्सटेंसेस इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो अंधाधुंध उल्टी सीधी तरीके से गति कर रहे होंगे। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक फील्ड में रख दो उसे आप, तो जितने भी अनसेंट इधर उधर गति कर रहा था वो सब बिल्कुल ऑर्डर में आ जाएंगे। और अगर इन्हें रख दोगे, अगर ये सब्सटेंस हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो ये ऐसे नहीं होंगे, फिर वो ऐसे दिखाई देंगे, एक सीधा है एक उल्टा है, फिर एक सीधा है फिर एक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा दिखाई देता है, फेरोमैग्नेटिक ऐसा दिखाई देता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो कैसे भी गदर जो तो कुछ भी करो सर, ठीक है। ये है फेरी वाला, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होगा, फिर वही सिस्टम है। अब यहां पर देखने वाली चीज, एक पूरा सीधा, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ठीक है सर, इसमें कुछ वाली जो है पूरी एक लाइन होगी, सॉरी सर यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए ये पूरा सीधा चल रहा है सर, ठीक है। यहां पर देखिए ये वाला जो ये कुछ जो है इनमें से उल्टे हो जाएंगे, सारे नहीं कुछ भी रैंडमली, उसमें कैसे हो रहा था, उसमें पूरा एक सिस्टम में था। देखो जरा एंटी फेरो का मतलब क्या, देखो सीधा है उल्टा है सीधा है उल्टा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां रैंडमली कुछ भी, ये सीधा है ये सीधा चल रहा है, बीच में कोई एक उल्टा होगा कोई एक उल्टा होगा कोई एक उल्टा होगा, तब इन्हें कहते हैं फेरी। ये थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में से, ठीक है। प्लस इनके बारे में यहां लिखा हुआ भी आप पढ़ लेंगे आराम से, किस तरीके से कम हो जाते हैं नीचे हो जाते हैं, जो भी चीजें वो सारी यहां पे लिख दी हैं सर, ठीक है। बस तो इस तरीके से यह था पूरा इंतजाम, थोड़ा सा ये रह गया। हाँ सर, एक आखिरी में, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो गाय का एक मेथड है जो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो, इसे गाय पढ़ेंगे सर, ठीक, गैया ना पढ़ लेना इसे, ठीक है। तो गाय का क्या मेथड है, यहाँ पर एक इन्वेटेड लगा रखा है, चुंबक रख रखा है, बीच में यहाँ पर सैंपल रखा हुआ होता है, और चेक करते हैं नापते हैं वजन एक एक करके कि सर क्या सिस्टम होने वाला। देखिए पाउडर्ड सब्सटेंस जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, अब ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे म्यू से लिखते हैं भाई, म्यू से लिखते हैं, और कई जगह पे काई से लिखते हैं सर, ठीक है। तो दोनों सिंबल से इसे यूज कर लेते हैं, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ट्यूब में रख देते हैं, ट्यूब में भर देते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड की, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तब उसका वजन नाप लेते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में रख के फिर चुंबकीय क्षेत्र का वजन नाप लेते हैं, जितना वजन बढ़ जाता है उसे ही हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कह देते हैं। कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है, देखिए इससे लिखा हुआ काई जी बराबर, ये फार्मूला होता है, कौन सी चीज़ इसमें क्या है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, और इस तरीके से जो क्वांटिटी होती है उसे हम लोग निकाल लेते हैं, और जो क्वांटिटी है 2L/h² होती है उसे हम लोग एक कांस्टेंट बोल देते हैं, और नाम लिखा हुआ कैलिब्रेशन कांस्टेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और ये फाइनल फार्मूला इन्होंने निकाला है, फाइनल फार्मूला क्या है, म्यू इफेक्टिव बराबर 2.83 काई एम, करेक्ट वाली वैल्यू जो निकल के आएगी वो T-θB/m, ये जो लॉ दिया था, ये दिया था क्यूरी ने, लॉ दिया था क्यूरी और वीज दोनों ने मिलके, पहले लॉ क्यूरी ने दिया था टेम्परेचर से रिलेटेड, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और ये जो नया वाला लॉ है ये कहलाया क्यूरी वीज लॉ, ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको भुगतना ना पड़े। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितने नंबर में आ सकती है, 2 नंबर या 3 नंबर, आपके पेपर का पैटर्न जैसा भी हो सर, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर आप छोड़ देते हो तो आपसे बड़ा कोई गधा नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग में आएगी मेरे भाई, पढ़ना ही है सर, ठीक है। और कहां तक पढ़ना, अगर केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपसे पूछता है तो आप कहां तक लिखोगे, यहां तक, ये इन पर डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन अगर वो कह दे कि इसके पूछेगा ही लॉन्ग में आएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, पूरी स्प्लिटिंग इसकी दिखानी पड़ेगी यहां तक,
यहां तक आप इसकी स्प्लिटिंग पूरी दिखाओगे। अगर वो कहे इसकी एनर्जी भी बताओ, तो भैया जो एनर्जी भी फिर इसके आगे चल रही है, चलने देना अंधाधुंध, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनर्जी में सब नहीं पूछेगा, वो कौन सी पूछेगा, D1 वगैरह तो नॉर्मल है, इनमें से कोई पूछेगा तो इनमें से आप बता देना, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये कोई लॉन्ग लॉन्ग में नहीं आएगा। फैक्टर्स तीनों का नाम पढ़ लो और थोड़ा थोड़ा इनके बेसिक थ्योरी पढ़ लो कि आप उसे आराम से लिख सको सर, ठीक है। आपने हेडिंग सही लिखी है, थोड़ा उसके बारे में लिखा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सब अगर आप लिख दे तो बहुत आराम से नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम लोग, ट्रांस इफेक्ट 3 नंबर में बनता है। ट्रांस इफेक्ट आपको पढ़ना है, बता दिया 2 पोजीशन होती है, सिस और ट्रांस। जो लिगेंड होगा वो आने वाले, जो मेटल आयन होगा वो आने वाले लिगेंड को कहाँ कहेगा, ऐसी जगह जाओ जो हमारी जो पोजीशन है वो ट्रांस वाली बने, सही, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थ्योरीज की, तो 2 थ्योरी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक पाई बॉन्डिंग थ्योरी है। पाई बॉन्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बस भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, आप उन्हें पढ़ लें आराम से, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पता ही है, जोड़े में बिना जोड़े के, ठीक है, इस तरीके के, और फेरो और फेरी और एंटी फेरो क्या होता है, उनका हमने नीचे डायग्राम बना के दिखा दिया कि किस ऑर्डर में उसके मॉलिक्यूल सेट हो जाते हैं सर, ठीक है। बस उसके बाद एक आखिरी मेथड है, गैया वाला मेथड। वो गैया वाला मेथड क्या करेगा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकालने की सहायता से म्यू की वैल्यू हम लोग उससे कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसका जो पूरी PDF है ये अभी हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, जाके BDKDNBSC सर्च कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं उनकी ये 7वीं और 8वीं यूनिट है, जो लोग थर्ड ईयर में हैं उनकी ये पूरी एक यूनिट हमने कवर कर दी है सर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जाके एनसॉल्व में चेक करिएगा, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।